नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स का लेक्चर नंबर 14। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स का जो है आधा से ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया है। तीन चैप्टर जो हमने पढ़ा वही था हमारा पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ACTE का। अब इसके बाद हमें जो है कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हम लोग वही पुराने चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट्स थर्ड चैप्टर में पढ़ा ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसका एक पूरा का पूरा चैप्टर ही हमें दे दिया गया है, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर है, होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट्स। तो चलिए पढ़ते हैं होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट एक बार थोड़ा और डिटेल में। तो होस्टिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अब भी मैं फिर से बता देता हूँ। होस्टिंग इक्विपमेंट्स एक्चुअली वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग लिफ्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा क्रेन्स वगैरह हो गया, पुलिस वगैरह हो गया, जैक्स वगैरह, ये सब हो गया। ये सब क्या है, हमारा होस्टिंग इक्विपमेंट्स, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कोई चीज़ को लिफ्ट करने के लिए। तो यही हम लोग थोड़ा सा आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, होस्टिंग इक्विपमेंट्स में मेनली हम लोग यहाँ पर क्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्रेन्स होते क्या है, इनके कितने टाइप्स हैं और इनको हम लोग यूज़ कैसे कैसे करते हैं। तो क्रेन्स तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं। क्रेन्स एक तरह के होस्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज़ किए जाते हैं, हैवी हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। और जो हमारा क्रेन है ना, ये एक लौता ऐसा इक्विपमेंट है, एक लौता ऐसा मशीन है जो कि किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है थ्री डायमेंशनल मूवमेंट दे सकता है, तीनों डायमेंशंस में उसे मूव कर सकता है। तो हमारा जो क्रेन होता है वो बाकी सभी चीज़ों से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होता है, क्योंकि जैसे हम लोग का फॉर एग्जांपल लिफ्ट था, तो लिफ्ट क्या होता था, ओनली ऊपर नीचे जो है ट्रैवल कर सकता था, ऊपर नीचे हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकता था। तो वो जो है ओनली वन डायमेंशन ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर हमारा जो कन्वेयर बेल्ट था वो भी आगे पीछे ओनली होता था। और जो हमारा कंक्रीट पंप होता था उसमें हम लोग कंक्रीट को दो डायमेंशन में मूव कर पाते थे, ऊपर नीचे और आगे पीछे। लेकिन एक लौता क्रेन ही है जिसमें हम लोग कोई भी बॉडी को, कोई भी मटेरियल को जो है थ्री डायमेंशन मूवमेंट दे सकते हैं। थ्री डायमेंशन यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेन्स आखिर हमारे सबसे एडवांस इक्विपमेंट्स में क्यों गिने जाते हैं। तो क्रेन जो है आज के टाइम पे हमारा मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। तो चलिए अब हम लोग क्रेन्स के टाइप्स को देख लेते हैं। तो जो हमारे क्रेन्स होते हैं ना, इनके टाइप्स जो है थ्री कैटेगरीज पे बेस्ड है। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है हमारा टाइप्स ऑफ क्रेन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जिसमें हमारा जो है फोर टाइप्स से क्रेन आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टेशनरी क्रेन, फिर आता है हमारा मोबाइल क्रेन, फिर आता है हमारा ओवरहेड क्रेन, फिर आता है हमारा ट्रैवलर्स क्रेन। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्रेन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आता है टाइप्स ऑफ क्रेन बेस्ड ऑन लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी। तो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी हम लोग का जो है क्रेन फोर टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है हमारा लाइट ड्यूटी क्रेन, फिर आता है मीडियम ड्यूटी क्रेन, फिर आता है हमारा हैवी ड्यूटी क्रेन, और एक आता है हमारा वेरी हैवी ड्यूटी क्रेन। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ क्रेन बेस्ड ऑन लोड लिफ्टिंग कैपेसिटीज। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रेन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। तो हमारे ऑपरेशंस के बेसिस पर क्रेन्स को जो है थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है स्टीम ऑपरेटेड क्रेन्स, जो कि स्टीम से चलते हैं। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और तीसरा आता है हमारा डीजल ऑपरेटेड क्रेन्स, जो कि हमारा डीजल से चलता है। इसके बाद हमारा फर्दरली जो है और भी कई सारे टाइप्स आते हैं क्रेन्स के, फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी क्रेन्स, क्रॉलरी क्रेन्स, मोबाइल क्रेन्स, हाइड्रोलिक क्रेन्स, टावर क्रेन्स, फ्लोटिंग क्रेन्स, व्हीलर्स क्रेन्स, ये सभी जो है और भी हमारे पास कई सारे टाइप्स आते हैं। तो चलिए थोड़े इंपॉर्टेंट क्रेन्स को हम लोग जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टावर क्रेन्स के बारे में। तो टावर क्रेन्स क्या होते हैं, टावर क्रेन्स जनरली ऐसे क्रेन्स होते हैं जिनका जो बॉडी होता है, जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल फोन टावर तो देखा ही होगा, मोबाइल फोन टावर्स कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधा 90 डिग्रीज में खड़े होते हैं ना, वैसे ही ये क्रेन्स भी 90 डिग्रीज में पूरे खड़े होते हैं। तो टावर क्रेन्स जो है आगे इनको फर्दरली जो है कई तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हमारा आता है सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन। तो सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन का मतलब है कि ये जो है सेल्फ सपोर्टेड होता है, इसमें कोई भी बाहरी सपोर्ट हमारा दिया हुआ नहीं रहता है और ये जो है स्टैटिक रहता है, एक ही जगह अपना खड़ा रहता है। जहाँ पर भी इसको स्टैब्लिश किया जाता है ये जो है सेल्फ स्टैटिक वहीं पर खड़ा रहता है, जैसा का तैसा ही खड़ा रहता है। और ये जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स में
लिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज में आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। आप जो है इसके फिगर को अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसका फिगर का सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से देख लीजिएगा। आपने अगर एक क्रेन का फिगर अच्छे से कर लिया, उसके कंपोनेंट्स को याद कर लिया ना, तो बाकी सारे क्रेन्स भी आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, सबके वही वही पार्ट्स होते हैं। तो आपको जो है एक क्रेन अच्छे से करना है, और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगर आपने एग्जाम में अच्छा से एक क्लियर फिगर बना दिया ना, तब तो आपकी बल्ले बल्ले एग्जामिनर एकदम थूक लगा के आपको मार्क्स देगा। तो आप जो है फिगर अच्छे से कर लीजिए क्रेन का। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप में आते हैं क्रेन का, जो कि है हमारा सपोर्टेड स्टैटिक टावर क्रेन। तो सपोर्टेड स्टैटिक टावर क्रेन क्या होता है? ये एक्चुअली ऐसे टावर क्रेन्स होते हैं जिनको सपोर्ट में रखा जाता है, सपोर्ट दे करके खड़ा किया जाता है। तो यही होता है हमारा सपोर्टेड टावर क्रेन। तो अब हम लोग का नेक्स्ट आता है रेल माउंटेन क्रेन। तो रेल माउंटेड क्रेन होता है एक्चुअली, जो कि रेल की पटरी में चलता है, रेल की पटरी उसके लिए बनाई जाती है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो यही होता है हमारा रेल माउंटेड क्रेन। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ट्रक माउंटेड टावर क्रेन। तो ट्रक माउंटेड टावर क्रेन में हमारा क्या होता है कि हम लोग ट्रक के ऊपर टावर क्रेन को लगाते हैं, ट्रक के ऊपर जो है हमारा टावर क्रेन माउंटेड किया हुआ रहता है, और जैसे जैसे हमारा ट्रक मूव करता है, हमारा क्रेन भी मूव करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्लेम्बिंग क्रेन्स। तो क्लेम्बिंग क्रेन्स एक तरह के क्रेन्स होते हैं जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स में यूज किए जाते हैं। इनमें हमारा क्या होता है कि हम लोग इस क्रेन को मॉडिफाई कर सकते हैं, जितना चाहे अपने जरूरत के हिसाब से इसकी ऊंचाई को सेट कर सकते हैं। ये जो है काफी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग क्लेम्बिंग्स रहते हैं, इनको जो है हम लोग मॉडिफाई करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा क्लाइंबिंग क्रेन। तो आप इसको जो है फिगर में देख सकते हैं। तो जो हमारे टावर क्रेन्स होते हैं ना, इनका वर्किंग सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है। ये जो है काफ़ी हमारे लिए काम को इजी बना देता है, क्योंकि आधा से ज़्यादा काम तो हमारा फिजिक्स ही कर देता है। और ये जो क्रेन्स होते हैं, ये 360 डिग्रीज में रोटेट कर सकते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी बॉडी को 3 डायमेंशनल मूवमेंट दे सकते हैं। तो टावर क्रेन्स जो है काफी हमारे लिए फायदेमंद साबित होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो चलिए अब हम लोग टावर क्रेन्स के कुछ एडवांटेज को देख लेते हैं। तो जो हमारा टावर क्रेन होता है ना, वो बहुत ही इफिशियंट और वर्सेटाइल होता है। हम लोग इसको बड़े बड़े लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट्स पर और बड़े बड़े बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे यूज कर सकते हैं। हमारा टावर क्रेन जो होता है वो बहुत ही वेल और इकोनॉमिकल हमारे लिए साबित होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये जो है हमारा काफी ज्यादा काम को एफिशिएंट भी बना देता है। तो चलिए अब हम लोग टावर क्रेन्स के कुछ डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। तो जो हमारा टावर क्रेन होता है, इसका मेन डिसएडवांटेजेस तो ये है कि इसका इंस्टॉलेशन का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाता है। जब भी हम लोग टावर क्रेन्स को कहीं पर इंस्टॉल करते हैं, उसको असेंबल करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है काफी ज्यादा कॉस्ट लग जाता है उसको असेंबल करने के लिए। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। और जो हमारा टावर क्रेन का जिप होता है, ये बिल्कुल एडजेसेंट होता है हमारे बिल्डिंग के, तो ये थोड़ा सा जो है हमारे मेंटेनेंस में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ा सा इसको चलाने में हमें दिक्कतें आती है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप के क्रेन को देखते हैं, जो कि है हमारा क्राउलर क्रेन। क्राउलर क्रेन ऐसे क्रेन होते हैं जिनको क्राउलर व्हीकल्स पे माउंट किया जाता है। क्राउलर व्हीकल्स ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स जगहों में चलाने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्रेन होता है, ये इंक्लाइंड होता है, पूरी तरह से सीधा नहीं होता है, ये थोड़ा सा जो है इंक्लाइंड रहता है। और इसका जो है मेनली 3 सेक्शन होता है हमारा। पहला तो होता है फ्रेम, दूसरा होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर, और तीसरा होता है हमारा बॉम। तो यहाँ पर हमारा जो है क्रॉवेलर क्रेन जो होता है, ये मेनली हमारा जो है डीजल इंजन से ही पावर किया जाता है, डीजल इंजन से ही इसको चलाया जाता है। अब हमारे क्रावेलर क्रेन्स जो होते हैं, इनको ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस में यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उतने लंबे नहीं होते, और इनको जो है मीडियम बिल्डिंग्स में ही मीडियम लोड को उठाने के लिए ही यूज़ में लाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ट्रक माउंटेड क्रेन्स। तो ट्रक माउंटेड क्रेन्स भी एक तरह के क्रावलर क्रेन्स के जैसे ही होते हैं, ये भी इंक्लाइंड होते हैं, बस इनको जो है ट्रक के ऊपर माउंट किया जाता है। तो यही होता है हमारा ट्रक माउंटेड क्रेन्स, और ये भी जनरली जो है डीजल से ही पावर किए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ओवरहेड क्रेन्स। तो ओवरहेड क्रेन्स जनरली एक तरह के हॉरिजॉन्टल ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर के क्रेन होते हैं, जो कि ब्रिज टाइप के बनाए गए होते हैं, और ऊपर में जो है इनका रेल लाइक कुछ जो है सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, और उसी के ऊपर जो है एक तरह का चक्का या फिर कह सकते हैं व्हीकल चलता है, और उससे हमारा जो है क्रेन मूव करता है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मोबाइल क्रेन। तो मोबाइल क्रेन एक तरह के सेल्फ पावर्ड क्रेन होते हैं, जो कि हमारे व्हील्ड और क्रोवेलर किसी भी चीज़ पे माउंट किए जा सकते हैं, और ये जो है
छोटे मोटे क्रेन्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं ये, और इनको जो है छोटे मोटे कामों में यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं हमारा मोबाइल क्रेन। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन टाइप्स ऑफ क्रेन्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जो है इनको थोड़ा अच्छा से कर लीजिएगा, दो चार क्रेन्स को अच्छे से देख लीजिएगा, फिगर जो है उसका अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार इनको जो है पूछा गया है, और फिगर अगर आप बना देंगे तब तो आपका एकदम बल्ले बल्ले बहुत ही अच्छा मार्क्स आपको मिलने वाला है, एग्जामिनर तो एकदम खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फिगर जो है वो काफ़ी मायने रखता है, तो आप जो है फिगर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सभी कंपोनेंट्स के नाम भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा।